नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो MS Paint ट्यूटोरियल की लास्ट वीडियो है, जिसमें हम आपको ये फाइल एडिट व्यूज इन तीन ऑप्शनों के बारे में बताएंगे और उसके बाद फिर सेव अंडू और रीडू इन सब के बारे में बताएंगे। हमारे MS Paint ट्यूटोरियल में सिर्फ यही ऑप्शन बचे हैं, बाकी हमने सब कुछ कवर कर लिया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इन ऑप्शनों में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल के बारे में। जैसे आप इस पर माउस के कर्सर को लेके जाएंगे और माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले देखिए आपको ये दिख रहा है न्यू वाला ऑप्शन, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल N। ये नया पेज लेने के लिए काम आता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देखिए नया पेज ओपन होगा। ये अगर आप पहले से कोई कुछ ड्रॉ कर रहे हो, ये आपसे पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हो या नहीं। तो आप मैं यहाँ पर डोंट सेव करता हूँ, आप सेव कर सकते हो अगर आप चाहो तो। देखिए यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो चुका है। तो ये है हमारा नया पेज लेने के लिए। दूसरा ऑप्शन है हमारा ओपन। अगर आप अपने ही कंप्यूटर से कोई नई इमेज, कोई नई ड्राइंग, पेंटिंग ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अपने जॉब पर भी अपनी फोटो को, ड्राइंग को या पेंटिंग को, जो भी आपने कुछ बनाया है उसको ओपन करना चाहते हो MS Paint में, तो वहाँ से कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ से ये इमेज ओपन करता हूँ, ये वाली। जैसे मैं ओपन पर क्लिक करूँगा ये देखिए हमारे MS Paint में ये इमेज ओपन हो चुकी है, ये देखिए। तो आप इस तरह से आप अपनी किसी भी फाइल को यहाँ पर ओपन कर सकते हो। अगला ऑप्शन है हमारा इंपोर्ट टू कैनवास। इससे भी आप अपने किसी इमेज को, ड्राइंग को इस MS Paint में इंपोर्ट करा सकते हो। देखिए मैं करा के दिखाता हूँ, इस बार हम इससे इंपोर्ट करते हैं। ये देखिए हमारी ये आ चुकी है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी इमेज को या अपनी ड्राइंग को यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा रिसेंट का। आपने रिसेंट में जितने भी ड्राइंग को या किसी भी फोटो को एडिट, कोई सीनरी वगैरह बनाई है तो वो यहाँ पर शो करने लगेगी। अगला ऑप्शन है सेव। यहाँ पर जो भी वर्क कर रहे हो, जो भी पेंटिंग, सीनरी या फोटो को एडिट कर रहे हो वो यहाँ से सेव कर सकते हो। और सेव एज से आप यहाँ से किसी भी फोटो को, सीनरी को PNG पिक्चर, JPG, BMP पिक्चर, GIF पिक्चर, अदर फॉर्मेट यहाँ से सेव कर सकते हो। अगला ऑप्शन हमारा प्रिंट का। प्रिंट पर जैसे आप कर्सर को लेकर जाएंगे, आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर क्लिक करना है या कीबोर्ड से आप शॉर्टकट की से Ctrl+P भी प्रेस कर सकते हो। जैसे आप प्रिंट वाले ऑप्शन में दूसरे नंबर पर है आपका पेज सेटअप। जिस भी पेज को आप प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ से आप उसकी सेटिंग कर सकते हो। मार्जिन की सेटिंग यहाँ से कर सकते हो, ओरिएंटेशन की यहाँ से, आप पोर्ट्रेट चाहते हो या लैंडस्केप में चाहते हो प्रिंट को तो यहाँ से कर सकते हो। ज़्यादातर प्रिंट A4 पेपर पर ही की जाती है और फिर यहाँ से आपको ओके करना है। प्रिंट वाले ऑप्शन में ये है प्रिंट प्रीव्यू। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देखिए आपको ये पूरे पेज का प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा। यहाँ से आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो। उससे आगे है आपका सेंड का ऑप्शन। यहाँ से आप अपनी जिस भी फाइल को सेंड करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हो। अगला ऑप्शन है सेट एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आप यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, चाहे वो कोई पिक्चर एडिट कर रहे हो या कोई ड्रॉइंग, तो यहाँ से आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर उसको सेट कर सकते हो। उससे अगले ऑप्शन पे आपको इमेज की प्रॉपर्टी दिखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर इस इमेज की प्रॉपर्टी आपको दिख रही है। आप सेंटीमीटर में देखना चाहते हो, इंच में देखना चाहते हो, पिक्सल में, वो सब यहाँ पर शो करेगी। उसके बाद है एग्जिट। यहाँ से आप एग्जिट करके MS Paint को क्लोज कर सकते हो। ये थे हमारे फाइल के सभी ऑप्शन के बारे में। अब बात करते हैं हम एडिट के बारे में। जैसे ही आप एडिट वाले ऑप्शन पर जाएंगे आपको एडिट में कट, कॉपी, पेस्ट ये तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और मैं यहाँ पर कुछ शेप को ड्रॉ करता हूँ और मैं यहाँ से इसको सिलेक्शन को सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से, और मैं एडिट वाले ऑप्शन पर जाता हूँ। तो आप यहाँ से कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और फिर एडिट पर जाकर फिर से पेस्ट करता हूँ। ये देखिए ये हमारी कॉपी हो चुकी है। कॉपी के लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V
और कट के लिए कंट्रोल एक्स का भी यूज कर सकते हो, शॉर्टकट की है ये। तो ये थे एडिट के तीन ऑप्शन। अब बात करते हैं हम व्यूज ऑप्शन के बारे में। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको सबसे पहले पर जूम दिखेगा। जैसे ही आप व्यूज वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करोगे आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर जूम का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। जैसे जूम इन करता हूँ मैं, ये देखिए जूम हो चुका है, और यहाँ से जूम आउट कर सकते हो। शॉर्टकट की है इसकी कंट्रोल प्लस में पेज अप, और जूम आउट की है कंट्रोल प्लस में पेज डाउन, और फिट टू विंडो कंट्रोल प्लस में वन। उससे अगला ऑप्शन है रूलर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये देखिए आपको ये रूलर दिख रहा है, ये पेज का रूलर है, ये यहाँ पर शो करने लगेगा। यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से इसको हटा भी सकते हो, ये देखिए ये हट चुका है। अब बात करते हैं ग्रिड लाइंस के बारे में। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये देखिए पूरे पेज पर ग्रिड लाइंस शो करने लगी है। ये है स्टेटस बार। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो तो इस पर आपको इसको आपको अनटिक करना है। ये अब देखिए ये हाइड हो चुका है। वापस लाना चाहते हो तो इसको वापस से सिलेक्ट करना है, वापस से इसको टिक करना है। अगर आप इस स्क्रीन को फुल स्क्रीन में देखना चाहते हो तो आप कीबोर्ड से F11 या यहाँ से क्लिक करके भी इसको देखिए फुल स्क्रीन कर सकते हो। यहाँ से आपने जो भी ड्रॉ किया है उसको यहाँ से सेव कर सकते हो। ये देखिए आप जिस भी फोल्डर में जहाँ पर भी इसको सेव करना चाहते हो वहाँ पर कर सकते हो। यह अनडू ऑप्शन एक स्टेप पीछे जाता है। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल जेड करूँगा तो ये एक स्टेप पीछे चला गया। और जैसे ही मैं यह है रीडू का ऑप्शन, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा या कीबोर्ड से कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा तो ये एक स्टेप आगे आएगा। तो ये थे हमारे फाइल एडिट और व्यूज के ऑप्शन के बारे में। हमने MS Paint को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे की वीडियो में आपको MS Paint में कार्टून्स, पेंटिंग, सीनरी कैसे ड्रॉ करते हैं उन सब के बारे में बताएंगे। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।